गुड मॉर्निंग दोस्तों, जॉर्जिया में एक नई सुबह हो गई है। आज मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ कोस्टल सिटी बाटुमी से कैपिटल सिटी टिबलिसी की तरफ। 8:10 की मेरी ट्रेन की डिपार्चर है। हाय, मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मॉर्निंग मॉन्ग पे। ये वाला वीडियो देख के अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा। आज मेरे अपार्टमेंट से मुझे यहाँ तक लेके आई एक मर्सिडीज बेंच जो कि चलती है टैक्सी में। मर्सिडीज बेंच आई है मुझे पिक करने भैया, पुराने ज़माने वाली। पैसे लगे सिर्फ 5 लारी 150 रुपये के आसपास। डिस्टेंस था 4-4.5 किलोमीटर। टाइम लगा सिर्फ 7 से 8 मिनट। ये स्टेशन नाम है बाटुमी सेंट्रल, लेकिन थोड़ा सा बाहर है। नया बना हुआ स्ट्रक्चर लगता है। जो आउट स्टेशन वाली बसेज है ना, जैसे सिटी बस यहाँ पे दिख रही है या उधर मेट्रो है, ये बसेज भी इसी स्टेशन से चलती है। तो बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन दोनों एक ही जगह पर है। दोस्तों, ये वाली ट्रेन है स्विस मेड स्टैडलर, डबल डेकर ट्रेन है 4 डब्बों की, मुझे और आपको लेके जाने वाली है ये स्टैडलर ट्रेन बाटुमी से टिबलिसी। टोटल टाइम लगते हैं 5.25 घंटे। डिस्टेंस है लगभग 350 किलोमीटर। कोच खोजता हूँ, डिब्बे में बैठता हूँ, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। मैंने सीट जो रिज़र्व कराई वो है वैगन 4, सीट नंबर 49। इस ट्रेन में बेसिकली 2 क्लासेज हैं, एक है सेकेंड क्लास और एक है फर्स्ट क्लास। जर्नी काफ़ी लंबी है 5 घंटे की, तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट क्लास में करा दिया था। ये मेरे बाजू में जो डिब्बा है ये है 2 नंबर, मेरा डिब्बा है ये 4 नंबर, जिसमें बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे ये पासपोर्ट भी चेक करेंगे शायद। गुड मॉर्निंग, दिस इज हाउ मेनी यू आर M1। मेरे पीछे काफ़ी बड़ा सा ग्रुप आ गया, तो मुझसे पहले उनको चेक इन करें। चेक इन करने का प्रोसेस है, मैं उतार में मेरे पीछे खड़े होकर सबका नाम नोट करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे। हाँ गाइस, तो मैं फाइनली सवार हो गया अपनी सीट पे। 49 है मेरी सीट का नंबर और ये है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का फेयर था कुछ 80-82 लारी और जो सेकंड क्लास है उसका फेयर था कुछ 35 लारी के आसपास। उसमें 2-3 लारी एक्स्ट्रा ऐड होते हैं प्रोसेसिंग फीस और कुछ फीस कर करके। स्विट्जरलैंड से हम इम्पोर्ट होके आई है, तो अच्छी है ट्रेन, तो अच्छी है। और मैंने स्पेशली ये वाला सीट लिया लास्ट में 49, कि मेरे आजू बाजू में कोई ना हो, आराम से मैं आप लोगों से डिस्कशन बातचीत करता हुआ चलूँ यहाँ से टिबलिसी। यूजुअली ऐसे ट्रेन में ऊपर लगेज रैक होते हैं, वैसे लगा रखे हैं, बना रखे हैं। मेरा बैग थोड़ा बड़ा है, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने नीचे रख रखा है। मैंने लोअर डेक इसलिए चूज़ किया क्योंकि लोअर डेक पे ही ऑप्शन था जिस पे सिंगल सीट थी, बाकी सब में डबल सीट थी, आमने सामने फ्रंट फेसिंग है, वो नहीं चाहता था मैं। और ये सीट सिलेक्शन के लिए मुझे 1 लारी एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था, सिर्फ 30 रुपये। और जो सेकंड क्लास की सीट्स हैं कुछ ऐसी है, सिंपल नॉन रिक्लाइनिंग। तो ये अपर डेक पे जो है ये बिजनेस क्लास है, नीचे वाला फर्स्ट क्लास है जहाँ मैं बैठा हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा लेग रूम है, बट ये सीट्स वैसे ही हैं, प्लस वो अपर डेक का कुछ ऐसा माहौल है। अपर डेक का जैसे फ्रंट फेसिंग है, 4 सीट है बीच में टेबल से। मैं तो बैठा मॉडर्न ट्रेन में, ये है कुछ सोवियत एरा की पुरानी वाली ट्रेन। स्टार्टिंग टाइम में तो काफ़ी पंक्चुअल निकली, 8:10 में तो 8:10 पे डिपार्चर हो गया। पहुंचती टाइम पे के लिए वो भी चेक करके बताता हूँ जॉर्जियन रेल कितनी रिलायबल है। ट्रेन हमारी निकल पड़ी है, बड़ा ही सीनिक सा रास्ता भी दिख रहा है। एक साइड में है ब्लैक सी, एक साइड में माउंटेन्स। मैंने उनसे पूछा टोटल कितने स्टॉप्स हैं यहाँ से लेके टिबलिसी तक, उन्होंने बोला ऑफिशियली सिर्फ 3 स्टॉप्स हैं। अब नाम कुछ तो बोला है, कुटेसी एयरपोर्ट है, क्रियोनी ऐसे करके नाम पता, नाम तो मुझे नहीं पता, बट हाँ स्टॉप 350 किलोमीटर में 3 ही हैं और इसीलिए एवरेज स्पीड आती है लगभग 70 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो TT साहिब है उन्होंने शायद ठीक से समझा नहीं, पिछले 1 घंटे में 2 बार रुक चुकी है। एक दो चीज़ें और मैंने पूछी उनसे कि वाईफाई तो आपने देखा था कि इस साइड पे एक वाईफाई चलता है, पर वाईफाई चल नहीं रहा, बोले कि यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है, आज नहीं चल रहा है, यूजुअली चलता है। और सारी सीट्स में चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, सोचा कुछ ब्रेकफास्ट देखूँ, कुछ खाने जाए कह के। सैंडविचेज हैं पर आई एम श्योर ये वेजिटेरियन नहीं होंगे,
ड्रिंक्स हैं, कॉफी, कोक, पानी है, ये एक तो पिज़्ज़ा क्रैकर्स देख रहा है, एक मिनी क्रोइसो है। वेंडिंग मशीन में वो आरबीएल कार्ड वाला टैप फीचर यूज़ करके ये निकाल लिया, कुछ बोनाइको टाइप का बिस्किट लग रहा है, और ये साथ में लेके आया था इंडिया से। मैंने उसे ब्रेकफास्ट करते हैं, मैंने पूछा हॉट वाटर मिलेगा क्या, तो अपना पोहा बना लेता, तो गर्म पानी का इंतजाम नहीं इनकी ट्रेन में, वो नहीं हो पाएगा। और हाँ, इसका प्राइस बताना भूल गया, 4 लारी। वैसे डिस्प्ले गोल्ड में टाइम, टेम्परेचर, स्पीड और स्टॉप्स सब कुछ दिखा रहा है। स्पीड है 99 किलोमीटर पर आवर। जिस स्टेशन पे ये ट्रेन खड़ी है उसका नाम है कुटाशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या लोकल लैंग्वेज में कोपिटनारी। यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है जिस एयरपोर्ट से मैं आया था। टोटल 1 घंटे 50 मिनट की जर्नी हुई और हम लोग पहुँच गए बाटूपी से कुटाशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी की जर्नी यहाँ से टिबलिसी नॉन स्टॉप है। ज़्यादा होगी हमारी जर्नी। अभी गुजर रही ट्रेन बहुत ही सीनिक सी वैली के बीच में से, पहाड़ है, नदी है, हरियाली है, जो भी टिपिकल चीज़ आपको चाहिए एक जर्नी में, ट्रेन जर्नी में सब कुछ ही है इस रास्ते में। ट्रेन हमारी चल रही है अभी भी राइट टाइम, लगभग आधे घंटे 40 मिनट की जर्नी में बची है। पीछे लगभग 1.5-2 घंटे पहले तो काफ़ी ग्रीन, ऊपर माउंटेन के ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी, काफ़ी ग्रीन थी वैली पूरी। अभी जिस एरिया से हम लोग गुजर रहे हैं काफ़ी येलो ब्राउन से माउंटेन्स हैं, वो भी दूरी पे, और दूर दूर तक मैदान फैला हुआ है। और इस ट्रेन की स्पीड अभी तक मैक्सिमम पूरी ट्रिप के दौरान मैंने देखी 109 किलोमीटर पर आवर, उसके ऊपर कांटा बढ़ा नहीं है। अभी तो करेंटली 77-78 की स्पीड से चल रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि बड़ा ड्राई सा एरिया है, येलो से माउंटेन है, पूरा बदल गया है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ रहा है तो पूरा का पूरा माहौल बदल जा रहा है, जो लैंडस्केप्स हैं टोटली चेंज हो जा रहा है। 350 किलोमीटर के डिस्टेंस में अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल गई, अलग अलग लैंडस्केप, बहुत ही ज़्यादा सुंदर देश है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यकीन मानिए जब लोग कहते हैं कि ट्रैवल थ्रू द कंट्री नॉट टू द कंट्री, सही कहते हैं, थ्रू द कंट्री, कोस्ट से सेंटर तक बहुत मज़ा आता है। और अभी जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ, ये एरिया वाइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जॉर्जिया में। जॉर्जिया इन इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी वाइन भी है यहाँ पे। एक सत्रह पे पहुंचा दिया हमें टिबलिसी सेंटर। ये नीचे वाले टीयर पे फर्स्ट क्लास था और ऊपर बिजनेस क्लास। टैक्सी ऐप यहाँ पर भी सेम ही चलता है ऑफ कोर्स, बोल्ट, और एक रशियन ऐप है यांडेक्स करके, वो भी चलता है। बाटूमी से ये जगह महंगी है कि सस्ती, वो थोड़ा यूज़ करने के बाद मैं बताता हूँ। कुछ ऐसा है ये मेन हॉल, दोनों तरफ स्टोर्स, एक टेरेनोवा, एलसी वाइकी की, और ऊपर जा सकते हैं, टिकट ऑफिस है, फूड कोर्ट है, रीजनल बसें चलती हैं ऊपर से, प्लेटफॉर्म्स हैं 2, 3, 4 और 5। और मुझे जाना है बाहर स्टेशन के अंदर ही, पूरा प्रॉपर शॉपिंग मॉल बना हुआ है। थैंक यू। ये कुछ ऐसा है माहौल स्टेशन के बाहर का, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, मेट्रो मार्ट है, बहुत सारी चीज़ें, दुकान ही दुकान चारों तरफ, बेको इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर, और उधर स्टेशन स्क्वायर का मेट्रो स्टेशन, उससे भी जा सकता हूँ, पर बैग वैग लेके पहले दिन किसी नए शहर में कितना चढ़ाना उतारना है, लिफ्ट है कि नहीं, एस्केलेटर है कि नहीं, नहीं पता, तो टैक्सी करके जाता हूँ होटल, टैक्सी बुलाता हूँ फ़िलहाल मैं, बोल्ट। यहाँ पे मैंने यूज़ की दूसरी ऐप है रशियन, यांडेक्स करके, यांडेक्स को,
क्योंकि बोल्ट पे जो फेयर दिखा रहा था, मेरा होटल है वैसे 4.5 किलोमीटर पर, जो रास्ता टैक्सी के लिए दिखा रहा वो कुछ 6-6.5 किलोमीटर है, और बोल्ट पे जो किराया दिखा रहा था सबसे कम वाली का वो था कुछ 13 लारी, और मैंने यांडेक्स से बुक किए उस पर कुछ 7.5 लारी। अब यहाँ आएंगे, इनफैक्ट बाटूबी में भी यांडेक्स चल रहा था, मैंने फेयर मोर ऑल लेस सेम ही देखे थे। आप ट्राई कर लीजिएगा, कुछ पैसे 2-4 आपके बच जाएंगे अगर आप दोनों ऐप पे चेक करके बुक करेंगे तो। ऐसे पहले USSR वाली जितनी कंट्रीज है ना, यहाँ पे इस तरह की मिनी वैन्स काफ़ी चलती हैं, जो भी गई है ना तो माश्रूत का या कुछ ऐसे करके बोलते हैं, पीछे भी आ रही है वाइट कलर की, शेयर्ड बसेज मान सकते हैं आप इसको, सिटी के अंदर सिटी के बाहर हर जगह चलती हैं। Yandex Go Ford Fusion आई है, काफ़ी वेट करना बड़ा स्टेशन है, काफ़ी ट्रैफिक भीड़ भाड़, आ गई फाइनली गड्डी हमारी, देखते हैं कैसी है कैपिटल सिटी जॉर्जिया की। हमारे ड्राइवर साहब अंग्रेजी भाषी निकले, इनका नाम मैंने पूछा पर नाम मैं भूल गया, पर मुद्दा ये है कि जैसा कोई भी कैपिटल सिटी होता है उसी तरह का ये टिबलिसी भी है, क्राउडेड, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, तो 4.5 किलोमीटर के रास्ते को हमें 6.5 किलोमीटर वाले रास्ते में कवर करना है, क्योंकि छोटा वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होगा, इसलिए गूगल ने हमें बताया कि दूसरा रास्ता पकड़िए, टाइम कम लगेगा उसमें। तो जा रहे फिलहाल होटल की तरफ, गूगल बाबा केवल हिंदुस्तान में ही धोखा नहीं देते, कहीं पतली गली में घुसा देते हैं, जॉर्जिया में भी वैसा ही है, टिबलिसी में भी एक पतली सी गली में घुसा दिया, सामने से आने वाले लोग गालियां दे रहे हैं मेरे ड्राइवर भाई साहब को, कहाँ चले आ रहे हो। तो बातचीत करते हुए हम लोग आराम से आ गए होटल में, रीगो भाई ने हमें ड्रॉप कर दिया। यूजुअली मैं फ्रंट सीट पर बैठना पसंद करता हूँ, पर अपनी सीट पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी जिसकी वजह से फ्रंट सीट नहीं मिला, अदरवाइज़ अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाती है। खैर अभी चलते हैं होटल चेक इन करते हैं, फिर एक्सप्लोर करेंगे टिबलिसी। इस शहर का जो फर्स्ट इंप्रेशन ये कहता है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता पूरी कंट्री की इसी शहर में रहती है, तो ऑब्वियसली बात है भीड़ होनी है, और गलियाँ पुराने शहर में काफ़ी पतली पतली हैं। मैं तो 6-7 किलोमीटर आ गया, ज़्यादातर जगह पर दोपहर के टाइम में ट्रैफिक है, 6 बजे के आसपास निकलेंगे तो बैंड बज जाएगा, और सेल्फ ड्राइव अवॉइड कीजिए टिबलिसी के लिए स्ट्रिक्टली। ये है रूम, ये है शेल्स सामान रखने के लिए, ये है छोटी सी टीवी, इधर है पानी गर्म करने का हिसाब किताब, कप कॉफ़ी एंड ऑल। बहुत ही बेसिक सा रूम है, ज़्यादा फैंसी नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, बेड है, बाथरूम है और ब्रेकफास्ट है। इसके लिए जो खर्चा मैंने किया वो था 104 लारी, पेड प्रॉपर्टी था, मैंने शायद बुकिंग से बुक किया था अगर मुझे करेक्टली याद है तो। आज मैं टिबलिसी पहुंच गया, टिबलिसी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है और करनी है। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जॉर्जिया के आगे आने वाले वीडियोस के लिए। मैं आप लोगों से जल्दी फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कराते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।